इंग्लिश कैंपस आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों के कपड़ों के नाम मींस मेंस क्लोथिंग नेम की। फर्स्ट है कमीज और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे शर्ट। शर्ट कमीज को इंग्लिश में कहा जाता है शर्ट। नेक्स्ट है पतलून जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे ट्राउजर। ट्राउजर पतलून को हम इंग्लिश में कहेंगे ट्राउजर। जींस जिसे इंग्लिश में भी जींस ही कहा जाता है जींस। बिना आस्तीन की कमीज मींस स्लीवलेस शर्ट। स्लीवलेस शर्ट बिना आस्तीन की कमीज मींस स्लीवलेस शर्ट। हवाईयन कमीज जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हवाईयन शर्ट। हवाईयन शर्ट हवाईयन कमीज को इंग्लिश में कहा जाता है हवाईयन शर्ट। छोटी आस्तीन वाली सूती कमीज इसे कहेंगे टी शर्ट। टी शर्ट छोटी आस्तीन वाली सूती कमीज को इंग्लिश में कहेंगे टी शर्ट। कॉलर वाली बटन के साथ और छोटी आस्तीन की सूती कमीज इसे इंग्लिश में कहेंगे पोलो शर्ट। पोलो शर्ट कॉलर वाली बटन के साथ छोटी आस्तीन की सूती कमीज को इंग्लिश में कहेंगे पोलो शर्ट। नेक्स्ट है दस्ताने जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्लव्स। ग्लव्स दस्तानों को इंग्लिश में कहा जाता है ग्लव्स। टोपी मींस कैप। कैप टोपी मींस कैप। पगड़ी जिसे कहा जाता है टर्बन। टर्बन पगड़ी को इंग्लिश में कहेंगे टर्बन। बनियान इसे कहेंगे सिंगलेट। सिंगलेट बनियान को हम इंग्लिश में कहेंगे सिंगलेट। घुटने तक का पायजमा और इसे इंग्लिश में कहा जाता है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स घुटने तक का पायजमा मींस शॉर्ट्स। नेक्स्ट है कपड़ों का जोड़ा या फिर परिधान समूह और इसे इंग्लिश में कहा जाता है सूट। सूट कपड़ों का जोड़ा या परिधान समूह को हम इंग्लिश में कहेंगे सूट। कमर पट्टा इसे कहेंगे बेल्ट। बेल्ट कमर पट्टा को इंग्लिश में कहेंगे बेल्ट। कंठबंध मींस टाई। टाई कंठबंध को इंग्लिश में कहेंगे टाई। बंडी बंडी को इंग्लिश में कहा जाता है वेस्ट कोट। वेस्ट कोट बंडी को हम इंग्लिश में कहेंगे वेस्ट कोट। टाई जिसे इंग्लिश में भी बो टाई ही कहा जाता है बो टाई। सामने से खुलने वाली बनियान इसे कहा जाता है कार्डिगन। कार्डिगन सामने से खुलने वाली बनियान मींस कार्डिगन। नेक्स्ट इज कपड़ों के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र इसे कहेंगे जैकेट। जैकेट कपड़ों के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र मींस जैकेट। चमड़े का वस्त्र और इसे कहेंगे लेदर जैकेट। लेदर जैकेट चमड़े का वस्त्र मींस लेदर जैकेट। कुर्ता पजामा इसे इंग्लिश में भी कुर्ता पजामा ही कहा जाता है कुर्ता पजामा। नहाने का चोगा मींस बाथरोब। बाथरोब नहाने का चोगा मींस बाथरोब। नेक्स्ट है बनियान और इसे कहेंगे वेस्ट। वेस्ट बनियान मींस वेस्ट। और जांघिया को इंग्लिश में कहा जाता है अंडरपैंट्स। अंडरपैंट्स जांघिया मींस अंडरपैंट्स। सिपाहियों के लिए बनी हुई रबर की या सूती बरसाती और इसे कहेंगे ट्रेंच कोट। ट्रेंच कोट सिपाहियों के लिए बनी हुई रबर की या सूती बरसाती जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेंच कोट। घुटने तक का कोट मींस ओवर कोट। ओवर कोट घुटने तक का कोट मींस ओवर कोट। रंगीन जैकेट
इसे कहते हैं ब्लेजर। ब्लेजर रंगीन जैकेट को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लेजर। हल्की पतलून इसे कहेंगे कार्गो पैंट्स। कार्गो पैंट्स हल्की पतलून को इंग्लिश में कहेंगे कार्गो पैंट्स। तैरने की पोशाक जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बीच शॉर्ट्स। बीच शॉर्ट्स तैरने की पोशाक को इंग्लिश में कहा जाता है बीच शॉर्ट्स। नेक्स्ट है ट्रैक सूट जिसे हम ट्रैक सूट ही कहते हैं। ट्रैक सूट टहलने के कपड़े मींस जॉगिंग सूट। जॉगिंग सूट टहलने के कपड़े मींस जॉगिंग सूट। पसीना सुखाने की पट्टी और इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्वेट पैंट। स्वेट पैंट पसीना सुखाने की पट्टी में स्वेट पैंट। पूरी बाहों का स्वेटर इसे कहेंगे पुलओवर। पुलओवर पूरी बाहों का स्वेटर मींस पुलओवर। उप बनियान इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्वेटर। स्वेटर ऊनी बनियान को इंग्लिश में कहा जाता है स्वेटर। नेक्स्ट है टोपी वाला स्वेटर मींस हुडी। हुडी टोपी वाला स्वेटर मींस हुडी। रुमाल जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हैंकरचीफ। हैंकरचीफ रुमाल को इंग्लिश में कहा जाता है हैंकरचीफ। गुलबंद मींस स्कार्फ। स्कार्फ गुलबंद मींस स्कार्फ। नेक्स्ट है हील के जूते मींस स्पोर्ट्स शूज। स्पोर्ट शूज खेल के जूते मींस स्पोर्ट शूज। तो व्यापार के जूते मींस बिजनेस शूज। बिजनेस शूज व्यापार के जूते मींस बिजनेस शूज। मोजे जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है सॉक्स। सॉक्स मोजे मींस सॉक्स। और चप्पल को हम कहेंगे फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स चप्पल को हम इंग्लिश में कहेंगे फ्लिप फ्लॉप्स। नो तक पहने जाने वाले जूते मींस बूट्स। बूट्स घुटनों तक पहने जाने वाले जूते मींस बूट्स। बटुआ जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉलेट। वॉलेट बटुआ मींस वॉलेट। धूप का चश्मा इसे कहते हैं सनग्लासेस। सनग्लासेस धूप का चश्मा मींस सनग्लासेस। और चश्मा इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ग्लासेस। ग्लासेस चश्मा मींस ग्लासेस। अगला है दस्ती थैला यानी कि हैंडबैग। हैंडबैग दस्ती थैला मींस हैंडबैग। और घड़ियाल को इंग्लिश में कहा जाता है वॉच। वॉच घड़ियाल को इंग्लिश में कहेंगे वॉच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।